हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप के सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप सभी के लिए डेली गाइडेंस लेकर आ गई हूँ, ठीक है? देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाएगा, एंजल आपको क्या गाइडेंस देंगे, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका मूड आज कैसा रहेगा, ओवरऑल पूरा दिन आज कैसा रहेगा, देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। पेज ऑफ सोर्ड्स लव लाइफ के लिए कार्ड है। द फूल, ओके, फूल है आपके, आज आपका मूड रहेगा। करियर में देख लेते हैं, इधर दो कार्ड्स हैं। सेकंड ओके, द वर्ल्ड आपके करियर के लिए कार्ड है और टेम्परेंस आया है बॉटम द डेक से। ओके, आज का दिन मुझे अच्छा ही दिख रहा है, आज आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ क्योंकि करियर और लव दोनों ही अच्छा है आज के दिन, ठीक है? सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स लव लाइफ के लिए कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है आज आपको शायद आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। या आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं या आज से करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज भी कर दे, आज भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपको लगेगा कि कुछ कुछ आपने ऐसा पा लिया जिससे आप देखिए कितने खुश हो गए हैं, ठीक है? लाइक आपने ये सूरज को पा लिया है, आप पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन तक, कुछ इस तरीके का आपको ना आज फील होगा। आज बहुत एक्साइटेड हो आप, बहुत खुश हो, आज आपका मूड बहुत अच्छा है, ठीक है? ऐसा मैं देख रही हूँ। इसीलिए हो सकता है ये क्योंकि आपके पार्टनर आज आपको शायद मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? या फेसबुक पे कोई पिक्चर लाइक कर दिया या इंस्टा पे कोई पिक्चर लाइक कर दिया, कुछ भी हो सकता है, पर उनकी तरफ से कोई हिंट आपको आज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? करियर की अगर बात करूं तो द वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स का कार्ड है। आपके करियर में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, यूनिवर्स उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूनिवर्स आपके पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप अगर पूरी तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने भी अब ये डिसाइड कर लिया है कि ये भी आपकी हेल्प करेंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह वगैरह आपके पाथ के बीच में आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली अब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? इसीलिए आज आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। और टेम्परेंस का मतलब है कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, जो कि यूनिवर्स को आपकी ये बात बहुत पसंद आ रही है, ठीक है? एंजल तो आपके अराउंड है गाइस, नो डाउट, और इसीलिए आपकी लव लाइफ भी बेटर हो रही है डे बाय डे। आप भी अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ देखो नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ तो ये चीज़ होगी होगी। हो सकता है आज कॉल मैसेज आ जाए, या हो सकता है कि कॉल मैसेज तो आ गया है लेकिन बात उतनी अच्छे से नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको बहुत रिलैक्स है, बहुत पीस है, और आपके पार्टनर कंटिन्यूसली आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा मैं देख रही हूँ। पर कॉल मैसेज भी आ सकता है गाइस, अगर ब्लॉक किया हुआ है अनब्लॉक कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है? ये भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, तो ओवरऑल सही है यहाँ पर सब कुछ, आज का दिन अच्छा है आपका। करियर के लिए भी बहुत बेटर डे है आज, आज यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर है।
ओके द टेम्पल पाथ, देखो एंजल एंजल नंबर है 12। डेफिनेटली गाइज टेम्पल पाथ, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, दुआएं मांग रहे हो, गॉड आपको सुन रहे हैं। वर्ड इज ऑफ द मून नंबर 52। आर्की एंजल मैटरॉन, देख लीजिए आप, आपके साथ एंजल आर्की एंजल्स हैं, गॉडेस ऑफ द मून है, और ये बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन सब कुछ सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी अगेन नंबर 21। डेफिनेटली गाइज देखो, मैं सारे अभी तक जितने कार्ड्स निकाले हैं ना, एंजल के कार्ड्स आए हैं, एंजल ऑफ बैलेंस भी आए हैं बॉटम द डेक से। आप समझ सकते हैं ना कि आप कितना अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि एंजल आपके अराउंड है। नंबर 21 यहाँ से है, नंबर 21 यहाँ से है, ठीक है, ये भी एंजल नंबर है। इसका मतलब है यूनिवर्स, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है यहाँ पर कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स खुद स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जो भी आपके पाथ के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, अब यूनिवर्स अपना सपोर्ट आपको देना शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। आप बिल्कुल इन पर ट्रस्ट कीजिए, और आपकी लाइफ में बहुत जो भी चीज़ें जो ऐसी थी, जो रुकी हुई थी बहुत टाइम से, हो सकता है कि अब वो होना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि एंजल डेफिनेटली आपके साथ हैं। और बिल्कुल दिख रहा है यहाँ से, देखो टेम्पल पाथ, यहाँ से गॉडेस ऑफ द मून और आर्की एंजल मैटरॉन, देख रहे हैं आप कितनी हेल्प कर रहे हैं आपको, आपके सारे क्वेश्चन सुन रहे हैं, और आप जो भी मांग रहे हो ना इनसे, स्ट्रैटेजी एंजल अब आपके लिए बना रहे हैं, आर्की एंजल्स बना रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपके लिए प्लान करेंगे, और आगे का पाथ आपको क्लियर होगा। बस आपको क्या करना है, विद द एंजल ऑफ बैलेंस आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में रखने की कोशिश करना है, अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है, जो आपने अब डिसाइड कर लिया ना, जब जब तक अब आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको मेहनत करनी है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगी। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो आप और आपके लव वन बिल्कुल सेफ हैं, आप टेंशन फ्री होकर मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो भी हुआ, ठीक है, पास्ट को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, नए सिरे से अपने लिए मैनिफेस्टेशन करो, अपने लिए ब्लेसिंग्स लो गॉड से, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आज, कौन से एंजल आपके साथ हैं और क्या कहेंगे आपको। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, वाओ, काली माँ, ऑडन, ओके, तो डेफिनेटली आज का दिन बहुत अच्छा है गाइज। ऑडन आपको कह रहे हैं साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, डेफिनेटली आपकी थर्ड आई ओपन है, सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। ऑडन आपको कह रहे हैं अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका थर्ड आई ओपन है, आप सच्चाई देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपकी थर्ड आई ओपन है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, और इस टाइम आपके इंट्यूशन आपको हेल्प करेंगे सच्चाई को जानने में। कोई अगर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और उसके दिल में चल कुछ और रहा है, चेहरे पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, तो आपके इंट्यूशन वो सच्चाई भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आपकी थर्ड आई ओपन है अभी, तो आपको कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता आप। तो यही तो होता है एंजल का सपोर्ट, कि आपको बिना कहे बातों के बारे में पता चल पा रहा है, आप अलर्ट हो पा रहे हो, यही तो होता है एंजल का सपोर्ट, ठीक है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, डेफिनेटली आपकी लाइफ अब बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है,
आप सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिवाइन लव आपको मिल रहा है, ये भी आपको पता है, ठीक है। काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, डेफिनेटली जो भी स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं वो अनफोल्ड हो जाएंगे आपके लिए, आपके सामने आएंगे। दिस इज़ योर चांस टू सर्व, डेफिनेटली अब आपके लाइफ में बेटर चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में चांस आएंगे जो कि आप डेफिनेटली अपने ऑब्स्टिकल्स को, हार्डशिप को रिमूव करेंगे और आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ। और डेफिनेटली गाइज विद थर्ड आई ओपन, अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो डेफिनेटली आपके इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ से एक आधा कार्ड ले लेते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा पता चले आज के दिन के लिए। नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स। देखो लव लाइफ में तो थोड़ा सा अभी आप थोड़े से अकेले हो ही, लेकिन बेटर हो रही है धीरे धीरे लाइफ आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हिंट आपको मिल सकता है। लेकिन आपके करियर में अब स्पीड में चेंजेस आएंगे, करियर आपका इम्प्रूव होता जाएगा, आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग्स आप पर है और डेफिनेटली इस टाइम आप काफ़ी एनर्जी गेन करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बेटर होगी गाइज। अपनी जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, आई होप कि ये गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो और आपका दिन भी अच्छा जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सभी आप। और अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।